अवेक चैनल स्टडी विद फन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को डिस्क्राइब किया था और साथ में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। आज भी हम हर पैराग्राफ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. तो यहाँ first question बनता है कि first clear का expression जो nationalism का आया वो कैसे और कब आया? तो वो French Revolution से आया 1789 में। France जैसा कि आप जानते हैं, आपको याद ही होगा कि full-fledged territory state था 1789 में, तो कि absolute monarch यानी निरंकुश शासक के अंडर में था, जहाँ पे मोनार्की थी। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of the French citizens. जब political और constitutional changes हुए जो French Revolution की वजह से, तो उसकी वजह से जो monarchy थी वहाँ से power transfer हुआ French citizens के हाथ में या democracy में। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. जो रिवॉल्यूशन थे, जो रिवॉल्यूशन था, उसने ये भी घोषणा की कि लोग ही इस नेशन का गठन करेंगे और इसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मीजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। यह क्वेश्चन बनता है जो सीबीएसई 2015 में आया भी था कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का जो मेन एम था वो था कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना, लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को जागृत करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन या व्हाट स्टेप्स इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी स्टेप टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। या क्या मेजर्स और क्या प्रैक्टिसेस उन्होंने की लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है द आइडियाज ऑफ ले पेट्रियन ले सिटियन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो ले पेट्रियन ले सिटियन का जो नोशन दिया, जो आइडिया दिया कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी तो इसके लिए इक्वल राइट्स हो, सबको इक्वल राइट्स हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक इक्वल राइट के साथ यूनाइटेड रहते हैं। सेकंड पॉइंट है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग दैट ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो कि और पहले वाले फ्लैग को रिप्लेस करता है जो ट्राई कलर का था। नेक्स्ट है स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस ने एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जिसका नाम बाद में रिनेम करके नेशनल असेंबली बनाया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बाय एक्टिव सिटीजंस। नेक्स्ट है न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड All in the name of nation। नए songs बने जो प्रेज के या वर्शिप के songs होते हैं, या oath, pledge, शपथ ली गई शहीदों के लिए, उनको honor किया गया और ये सब देश के नाम पे, नेशन के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विदिन इट्स टेरिटरी। सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज, ये सबसे मेन पॉइंट है कि यूनिफॉर्म, सबको इक्वल राइट, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज क्रिएट हुए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यूज वर अबोलिश्ड, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे उसको बंद कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, और सभी जगह एक जैसा वेट्स और मेजर्स का सिस्टम, नाप तोल के लिए जो एक जैसा सिस्टम है उसको अपनाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, अलग अलग जो एरियाज में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी उसको डिस्करेज करके जो फ्रेंच लैंग्वेज जो पेरिस में बोली जाती थी उसको कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बनाया गया, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो ये जो 7 या 8 पॉइंट्स यहाँ बन गए हैं वो ये बताएंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए या क्या क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस किए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों में
एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रिवोल्यूशनरीज ने आगे इसको कहाँ कहाँ स्प्रेड किया, तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड रिवोल्यूशनरीज आइडियाज स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। ये जो रिवोल्यूशनरीज आइडियाज थे ये फॉरेन कंट्रीज में अदर कंट्रीज में कैसे गया। रिवोल्यूशनरीज ने आगे ये डिक्लेयर किया था कि यह फ्रेंच नेशन का मिशन है या डेस्टिनी है कि वो यूरोप के जो दूसरे लोग हैं उनको भी हेल्प करेंगे, उनको भी लिबरेट होने में हेल्प करेंगे फ्रॉम द मोनार्की या डिस्पोटिज्म। तो एक पॉइंट ये इस वजह से भी ये दूसरी जगह स्प्रेड हुआ। दूसरा है कि जब ये जो इवेंट्स फ्रांस में हुई जब इसकी न्यूज दूसरी सिटीज में पहुंची यूरोप के, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे स्कूल कॉलेजेस के या अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो दूसरे एजुकेटेड मेंबर्स थे उन्होंने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया बाय फॉर्मिंग जेकोबिन क्लब्स बनाकर इन्होंने इन एक्टिविटीज की कैंपेन्स किए, जिसकी वजह से ये आइडिया सब तरफ पहुंचे और ये जितनी भी एक्टिविटीज या कैंपेन इन्होंने किए उसकी वजह से फ्रेंच आर्मीज को एक रास्ता दिखाया इन्होंने विच मूव्ड इनटू हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1970s, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड बेल्जियम और स्विट्जरलैंड भी और इटली के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हुई और वहां भी रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को स्प्रेड किए। विद आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो रिवोल्यूशनरी वॉर्स के आउटब्रेक में उसकी वजह से भी ये आइडियाज फॉरेन कंट्रीज तक अदर कंट्रीज तक गए। अब आता है नेपोलियन 1804 में। नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरी जो विशाल टेरिटरी को अपने कंट्रोल में किया था वहां पर उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए जो कि वो फ्रांस में पहले ही कर चुका था बहुत सारे सुधार के काम। और एक जो काम था एक तरीके से मोनार्की को वापस रीस्टैब्लिश करना और डेमोक्रेसी को फ्रांस में खत्म करना। तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया और मोनार्की को रीस्टैब्लिश किया, ये गलत काम हुआ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किए जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशियंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। नेपोलियन ने क्या क्या ऐसे चेंजेस किए जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और इफिशियंट और रेशनल बनाया जा सके। और यहाँ ये भी है कि व्हाट वॉज द नेपोलियनिक कोड। तो जो सिविल कोड ऑफ 1804 है जो इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने ही, इट इज यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसी को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इस कोड के अंदर क्या क्या उसने रिफॉर्म्स किए या क्या क्या चेंजेस किए वो अपन देखते हैं। ये भी आप पॉइंट्स में इसको आंसर को लिख सकते हैं। नेपोलियनिक कोड इड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ के जो जितने भी फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस थे वो रोक दिए गए। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सबको समान लॉज, सबके लिए समान लॉज एंड राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रेंच कंट्रोल में जितने भी रीजन थे वहां पे भी इस कोड को एक्सपोर्ट हुआ, इसकी वजह से भी फ्रेंच आइडियाज जो रिवोल्यूशनरीज आइडियाज है वो दूसरी कंट्रीज में पहुंचे, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया और फ्यूडल सिस्टम को बंद किया और जो फार्मर्स थे पीजेंट्स थे उनको भी और जो जितने भी कंट्रोल्स थे उनसे भी फ्री किया, जैसे सर्फडम था, मिनरल ड्यूज थे जो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम करते थे और अपना पार्ट उनको देना होता था, और रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे रिमूव किए। नेपोलियन के टाइम पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ और जितने भी फार्मर्स, आर्टिस्ट और वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन थे उन्होंने एक न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय किया, उनको एक नई फ्रीडम फील हुई। और बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर्स थे जो माल इधर उधर भेजते थे, एक्सचेंज करते थे सामान का, उन्होंने भी यूनिफॉर्म लॉज को एंजॉय किया। सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज थे, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे, सभी नाप तौल का मेजरमेंट सब जगह एक जैसा और अ कॉमन नेशनल करेंसी, और एक जैसी करेंसी जो सब जगह चल रही थी वो सब फैसिलिटीज को उन्होंने एंजॉय किया। तो ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने
की है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मोर इफिशियंट और मोर रेशनल बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जितने भी एरियाज थे जहाँ पे जो नेपोलियन ने कॉन्क्वेट किए थे, जीते थे, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है उनका क्या रिएक्शन था उस फ्रेंच रूल को लेके? तो उनका रिएक्शन मिक्स्ड था। शुरुआत में बहुत जगह पे, जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड में, ब्रुसेल्स में, बहुत सारी सिटीज में, मिलन, वर्सो में, फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया क्योंकि वो लिबर्टी का एक मैसेज लाए थे। लेकिन जो इनिशियल जोश था, वो शुरुआती जोश था, वो जल्दी एक तरीके से दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स या चेंजेस किए थे वो एक्चुअली पॉलिटिकल फ्रीडम से मैच नहीं हो रहे थे। और जो कमियां रह गई थी, या यूं कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या थे नेपोलियन कोर्ट के या फ्रेंच रूल्स की, जो कमियां थी वो थी इंक्रीज टैक्सेशन, जो टैक्सेस बढ़ गए थे, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। फ्रेंच आर्मीज में उनको फोर्सली लिया जा रहा था ताकि वो यूरोप के और भी पार्ट को जीत सके इजिली। तो ये जो कमियां थी वो एक्चुअली उनके एडवांटेजेस पे भारी पड़ी। तो यहाँ पे अपन ने जो चेंजेस किए वो भी देख लिए और जो कमी रही वो भी देख ली। यहाँ पे नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया है, जो जिसके बैग में से बहुत सारे लेटर ड्रॉप हो रहे हैं, और जो लेटर है वो सिंबल्स कर रहे हैं उसके टेरिटरीज को जो वो लॉस्ट करता जा रहा था जब वो लिप्सिंग का बैटल हार गया था। इसी तरीके से यहाँ एक पिक्चर बता रखी है, ट्री ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे जो ट्री है वो लिबर्टी का है, और एक यहाँ पे उसके ऊपर एक नोट है कि टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, हमसे फ्रीडम और इक्वालिटी ले लें, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। और यहाँ पे भी दो तीन जो पेंटिंग है वो सार्कास्टिक है, वेल दिखा रखा है जिसमें फार्मर से उसकी कार्ट जो गाड़ी वो छीनी जा रही है, या यंग वुमेन्स को परेशान किया जा रहा है, या एक फार्मर को अपने घुटने पे बैठने को मजबूर किया जा रहा है। तो ये एक सार्कास्टिक व्यंग की तरह पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पे जो एक जैकोबिन क्लब के मेंबर थे रेबमैन, उन्होंने ये एक पंचांग घोषणा पत्र टाइप बनाया हुआ है एल्बेनेक, जिसमें जो कि फोर्टेज कैजल के बाहर लगा हुआ था, और इसमें भी एक क्राउड दिखा रखी है जो कि उस किले के बाहर थी। तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन हमने कवर किए वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।